तो सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि बत्रा जी ने एक अपने अनुभव से और हमारे आग्रह पर आप सब लोगों के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार की है, और वो प्रेजेंटेशन अभी शेयर करेंगे, और उसके माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उसको जो बत्रा जी बताएंगे एक बार आप जरूर एक बार देखिएगा। जी बत्रा जी, अब आप शुरू कर सकते हैं। जी ओवर टू यू। जी लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग राइट एंड प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज। ये है कैटेगरी ऑफ ब्रॉयलर फार्मर इन एक्सिस्टेंस। आज हमारे पास मेरे हिसाब से तीन तरह की कैटेगरी है। एक है कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर, एक है स्मॉल एंड मीडियम, और एक है मल्टी स्टेट इंटीग्रेटर। मैंने इन दोनों की तस्वीरें सेम इसलिए रखी हैं क्योंकि इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। ये 50,000 2 लाख करता होगा, ये भले 4 करोड़ करता होगा, लेकिन सिर्फ ये बड़ा है, बाकी का फार्म साइज सेम है, सब कुछ सेम है, इसलिए मैंने फोटो में सेम रखी है। ये है हमारे पास तीन आदमी जो पोल्ट्री फार्मिंग में कर रहे हैं। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ग्रोअर जो है उसको तो पैसे मिल रहे हैं, चाहे वो 2 रुपए मिल रहे हैं या 8 रुपए मिल रहे हैं पर किलो, वो उसके एफसीआर या उसके ऊपर डिपेंड करता है। और एक स्मॉल एंड मीडियम इंटीग्रेटर का एक अलग मॉडल ऑफ बिजनेस है, मल्टी स्टेट वालों का अलग मॉडल ऑफ बिजनेस है। इसको हम, मुझे लगता है, दूसरी या तीसरी में थोड़ा सा खुलासे में बात करेंगे, बट वो इंडिविजुअल वाइज हम बाद में चाहिए तो खुलासे में ले लेंगे, बट आज का जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, बेसिक कंटेंट ऑफ प्रॉफिटेबल ब्रॉयलर फार्मिंग, ये हम इसको 5 भाग में बताते हैं। इसके बारे में ये एक सिर्फ एक आपके लिए एक, मुझे लगता है कि ये एक छोटा सा कंटेंट है जिसको आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो खींच के रख लो। जी, सारा दारो मदार इसी के अंदर है। आपके हिसाब से क्या हो सकता है नेक्स्ट, कि थोड़ा सा दर्शकों को हिंट मिले जी जी कि मैं कैसे। इस मैं यही देखो, मैं अगर हम देखें, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अगर बात करें, एक 2 मिनट 5 मिनट हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को दें। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है उसका मॉडल ऑफ बिजनेस पिछले 22 साल में बदली नहीं हुआ। ये वही कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर है जिसको जितना अच्छा एफसीआर, जितनी कम मॉर्टेलिटी होगी, उतने उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। जी आज अगर उसको समझ लें कि साल में, मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर अपने अपनी इनकम कैसे बढ़ाए, अगर हम उसकी बात करें, तो उसको भी बहुत हद तक प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। पहले जो वो साल में 3 बैच निकालता है या 4 बैच निकालता है, आज वो मतलब साइंटिफिक इक्विपमेंट और थोड़ी सी कम खर्चे में मशीनरी लेके वो साल के 6 बैच निकाल सकता है। अब आप देखो, 4 की जगह पे 6 बैच मिलने, यानी कि 50% इंक्रीज हो गया। देखो, मेहनत तो आपको 45, एक बैच जो है आपका 45 दिन में निकल जाता है। आने वाले 15 दिन साफ सफाई करने में और अगला ब्लैक मतलब रख रखाव में लग जाएंगे, तो 2 महीने में एक बैच, साल में आपको 6 बैच नहीं तो पौने 6 बैच तो आपको मिल ही जाएंगे, आप जो मर्जी कर लो। तो 4 बैच से आप 6 बैच पे अगर आ गए, तो आपकी इनकम, जो आपकी इनकम 20,000 थी, वो 30,000 पे हो गई ना। जी लेकिन जद्दोजहद तो आपको करनी है ना। दूसरा, आप पहले माल बेचते थे 2 किलो का, अब आपको माल बेचना है, अगर आपको, आप एक काम करें, 6 बैच ना ले, 5.5 बैच ले लें, लेकिन आपको 2 किलो की बजाय आपको तकरीबन 2.5 किलो का माल बेचना है। तो आपको पर बर्ड जो पैसे मिलते थे, मतलब पर बर्ड जो पहले मिलते थे समझो तकरीबन 15 रुपए, अब आपको 20 से 22 रुपए बड़े आराम से मिल जाएंगे। लेकिन ये बिना अच्छा एफसीआर के तो नहीं आएगा ना। जी और वो अच्छा एफसीआर लेने के लिए जो 10 20 50 जो शर्तें हैं या जो कंडीशंस हैं, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है, जिसके बारे में हम फिर से चर्चा कर लेंगे चाहिए तो, वो आपको एडॉप्ट करने पड़ेंगे। और वो इतनी डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अगर वो करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर अपनी इनकम जो आज 5 रुपए किलो है या 10 से 12 रुपए जो पर बर्ड है, वो बड़े आराम से पर बर्ड 10 से 12 रुपए से 18 रुपए तक लेके जा सकता है। साल में 4 बैच की जगह पे वो 5.5 बैच ला सकता है। तो मेरे हिसाब से उसकी इनकम में 50% प्लस या 40% प्लस तो बड़े आराम से आ सकता है, वही 365 दिन में। जी लेकिन उसके लिए सोच उस आदमी ने अपनी बदली करनी है, समझ उसने बदली करनी है, तो उसके एफर्ट और कम होंगे लेकिन सोच बदली करनी है, पैसे 100% आएंगे। ये बात है आपकी कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर की। अब आप आ जाओ स्मॉल
फार्मर ओपन फार्मिंग या एक स्मॉल इंटीग्रेशन, जो 50,000 लाख बर्ड जो महीने का पालता है या 20,000 बर्ड महीने का पालता है। अजय जी, मेरे हिसाब से आज की तारीख में ये जो बिजनेस हो गया है ना, ये बिजनेस ऐसा हो गया है कि आपको, आप कितना फाइनेंस लेकर आते हो ये उस पर डिपेंड करता है। आपका जो कैपिटल है, आपका जो सरमाया है, वो कितना है आपके पास। अगर आप बोलो कि मैं चिक्स उधार ले लूंगा, फीड उधार ले लूंगा, और मतलब बिजली का बिल तो वैसे भी 40 दिन के बाद देना है, तनख्वाह तो फिर भी 35 दिन के बाद देनी है, तो मैं तो फ्लॉक निकाल के भी पैसे दे सकता हूं। वो जमाने खत्म हो गए। अब मैं इस नतीजे पे आया हूं, अगर आपके पास कैश ऑन हैंड नहीं है ये सारा माल प्रोक्योर करने के लिए, मतलब 1 महीने का माल नहीं, 2 महीने का माल नहीं, 3 महीने का माल अगर लेने में अगर आपके पास कैश ऑन हैंड नहीं है, तो मेहरबानी करके इस धंधे में ना आए। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, उधार में लेके सिर्फ सप्लायर को आप पैसे ज्यादा दे रहे हैं, एट द कॉस्ट ऑफ यू मेकिंग लॉसेस। क्या हो जाएगा, आपके पास एक दिन सरमाया ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा कैपिटल जो लॉस में कन्वर्ट हो रहा है, वो लॉस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, पैसा कोई और लेके जा रहा है। जी तो आप तो ऐसा हो जाएगा, नील बटन नील हो जाएंगे। जी तो उसके ऊपर ध्यान दें, उस किसी की राय मशवरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, किसी के पास जाएं, अपना हिसाब किताब दुरुस्त कराएं, समझ में लाएं। मैं तो ये बोलता हूं, 50,000 मुर्गी डाल के अगर आपको साल में 10 लाख रुपए का नुकसान सहन करने से अच्छा है, आप 2,000 के बर्ड, 2,000 फार्मिंग, 2,000 बर्ड की फार्मिंग करो, और सारे के सारे 2,000 बर्ड जो है अपने खुद के माल बेचने की ट्राई करो, आपको 5 लाख रुपए की इनकम होगी। आपको क्या फीता लेके घूमना है बाजार में कि मेरे कि मैं साल में 5 लाख मुर्गी बनाता हूं, और ला जी ला मेरा तो बल्ले बल्ले हो गया। अरे आप कितने पैसे कमा रहे हैं उसके ऊपर जाए ना। आप छोड़े 50,000 बर्ड पालने के, आप 2,000 बर्ड पाले और साल में 5 लाख रुपए कैसे कैसे कमाने, उसके ऊपर ध्यान दें। अब आप बोलोगे वो काम मैं नहीं कर सकता, अगर नहीं कर सकते चुपचाप कर, चुप चुपचाप घर बैठे आप। ऐसा क्या है कि जो आदमी काम नहीं कर सकता। एक ट्रेडर, एक छोटा सा ट्रेडर, मतलब एक छोटी सी जो दुकान है, जो मेरे हिसाब से बहुत लोगों की ये एक शिकायत रहती है, जैसे आपने भी मुझे भेजा है कि हमारे पास से तो वो 80 रुपए में लेके जाता है और वो 200 रुपए का बेचता है, बराबर यही शिकायत होती ना साहब। मैं उस आदमी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उस आदमी में इतनी गट्स है, उस आदमी में इतना प्रोत्साहन है, उस आदमी में इतनी समझ है, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, जो मर्जी है, मैं उसकी तो गट्स की मतलब तारीफ करूंगा। उस आदमी में दम है 80 रुपए का माल लेके 250 रुपए में बेचने का। साहब आप उसका शुक्रिया अदा करो कि उसने आपको एक लाइन बताई जहां पर वो 80 रुपए का माल 250 रुपए में बेच पा रहा है। आप बेच के देख लो ना, अरे आप 200 रुपए का बेचो ना, क्या तकलीफ की बात है। आप दूसरों को दोष मत दो कि वो वाजिब दाम में नहीं। साहब वाजिब दाम क्या होता है, आपकी समझ में अलग है, दूसरों की समझ में अलग है। आज मैं भी जब मकई 27 रुपए की लेता हूं और वो जो फार्मर जो है वो 12 रुपए की बेचता है, यहां पर भी वही फर्क है। वो 12 रुपए मक्की वाला सोचता है कि ये कैसे 27 रुपए का ये माल बेच रहा है। अरे वो 12 रुपए वाले की प्रॉब्लम है, उसने क्या करना चाहिए, उसने ये करना चाहिए, उसने माल को अपने यहां पर होल्ड करना चाहिए। अब उसकी अगर ताकत के बाहर की बात है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सब ट्रेड वैसा है, जब आप इस पोल्ट्री फार्मिंग में आए थे तब आपको पता था ये ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, और आपको नहीं पता था, ये आपकी प्रॉब्लम है, ट्रेड की प्रॉब्लम नहीं है। और ये ट्रेड फिर बदली होगा, फिर बदली होगा, आपको भी बदली होना पड़ेगा। या तो आप ताकत रखो आपके हिसाब से ट्रेड को बदली करने के लिए, या तो फिर ट्रेड जैसा बदली हो रहा है आप भी बदली हो जाओ। आपको आपकी कैपेबिलिटी और क्षमता बढ़ानी है किसी भी कीमत पे। तो उनसे मेरी गुजारिश है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, समझ नहीं है, कहीं से समझ ले लें। मैं ऐसे कईयों को जानता हूं जिनके पास, जिनका जो इंटरेस्ट रेट है, जो बाजार से जो उन्होंने मतलब जो बैंक से लोन लिए हैं, उस लोन की जो ब्याज है ना,
वही 2.5 रुपए किलो है और यहां पर तो प्रॉफिट तो दूर दूर नहीं है, तो वो आदमी क्या करेगा? जी समझ, अपने आप अपनी समझ बदली करें, आज आपका होमवर्क स्ट्रांग करें, जी जी ये मेरा कहना है। जी मैं चाहूंगा आपने काफी चीजें एक तरीके से आंख और कान खोल देने वाली चीजें कही है फार्मर के लिए कि आपको ट्रेंड के साथ बदलना होगा, और ये चीजें उन लोगों को समझनी भी चाहिए जो हम हमेशा अपेक्षा करते रहते हैं कि हमें कोई अपने आप ही ला के देगा, फिर एक दूसरे पे दोष लगाते रहते हैं। बिल्कुल आपका मैं बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा, बिल्कुल दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप जागरूक करने का काम कर रहे हैं हमारे सभी किसान भाइयों को। जी भाई मेरा एक लक्ष्य है कि मुझे बैलेंस शीट में प्रॉफिट चाहिए, एक जी लक्ष्य है। परफॉर्मेंस आवे या ना आवे, मुर्गी जिंदा रहे या मरे, मुझे नहीं पता, मुझे प्रॉफिट चाहिए। लेकिन प्रॉफिट भी ऐसा नहीं चाहिए कि जहां मेरी टर्नओवर होगी साल की 10 करोड़ रुपए और प्रॉफिट आया 300 रुपया। जी मैं ये जुमला नहीं बता रहा हूं, मैं सत्य बता रहा हूं। मैं ऐसे आदमी को जानता हूं जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए है और साल का प्रॉफिट 300 रुपए। मैं ये जुमला नहीं है, ये सत्य है। वो आदमी बोल रहा था कि मैं घर क्या लेके जाऊंगा, तुमको पहले सोचना चाहिए था। 10 करोड़ रुपए की टर्नओवर में प्रॉफिट 300 रुपए। और मैं ऐसा को भी जानता हूं जिनकी 12 करोड़ रुपए की टर्नओवर है और लॉस है 90 लाख रुपया। और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिनकी प्रॉफिट है 2 करोड़ रुपए और प्रॉफिट है 13 लाख रुपए। आप समझ ले बात, ये तीन एक्सट्रीम्स हैं। 2 करोड़ रुपए की टर्नओवर और प्रॉफिट है 13 लाख, के 20 लाख कुछ प्रॉफिट है उस आदमी का। साहब हमको टर्नओवर नहीं करनी है। मेरा तो एक सीधा जुमला है, जितने भी सुनने वाले भाई हैं वो एकदम कान खोल के सुन लें। मैं जितना पैसा घर अपनी बीवी को या अपनी माँ को अगर लाके देता हूं ना, वही प्रॉफिट है। जी और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं टर्नओवर 10 लाख की कर रहा हूं या 20 करोड़ की कर रहा हूं या 500 करोड़ की कर रहा हूं। मैं और किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, जी मैं अपने परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। जी तो मेरा एक आप लोगों से एक निवेदन है कि आप बिजनेस कैसे करना है इसके ऊपर ध्यान दें। और ये बिजनेस है, ये जुआ नहीं है जहां पर आप कौड़ियां फेंक रहे हैं और आपको 6 आने की आप क्या उसको बोलते हैं कोशिश कर रहे हैं कि 6 आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये वो कौड़ी का बिजनेस नहीं है, ये एक सीधा साधा बिजनेस है। जो जैसे आप चेस खेलते हो ना, ये वैसा है, ये सांप सीढ़ी नहीं है। आपको सोच समझ के एक एक प्यादा आगे करना है। जी और मैं आपको गारंटी से बोलता हूं, अगर आप आपका काम सोच समझ होमवर्क और किताब या किसी की मतलब गाइडेंस में कुछ लिखा पढ़ी करके करते हैं ना, 100% प्रॉफिट आएगा। आपका धन्यवाद करते हैं दिल की गहराई, और दर्शकों को भी बताना चाहेंगे अगर बत्रा जी के साथ हम जुड़े रहेंगे और आने वाले टाइम में भी और सेशंस बत्रा जी के साथ हम जल्दी लेके आने वाले हैं। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और ऐसे ही सेशंस बत्रा जी के साथ हम जल्दी और भी करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, वीडियो आपने यहां तक देखी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।